टू ऑल लैपटॉप सॉल्यूशन। आज मैं आपके सामने HP का लैपटॉप है, उसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ये HP का नोटबुक है, ये AY514TX के साथ है, ये इसका मॉडल नंबर है। इसमें HP ने 6th जनरेशन इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर है, जो कि ये इसका सीरियल नंबर है, इससे पता चलता है कि यह 6th जनरेशन है। इसकी 1 TB हार्ड डिस्क है, ठीक है, और 4 GB DDR4 है। DDR4 फोन्स मीन्स 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें DVD राइटर है, ऑप्टिकल DVD राइटर। फ्री डॉस का मतलब है इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, जैसे लाइनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, या विंडोज़ 10, 8 कोई भी आप परचेज करके डाल सकते हैं। इसकी जो स्क्रीन है 15.6 डायगनल HD LED डिस्प्ले होती है, और इसमें जो साउंड है वो DTS साउंड है। जो इसमें एक बहुत बढ़िया बात है कि जो कंपनी ने इसमें अलग से ग्राफिक कार्ड दिया गया है, इसमें रेडियन का AMD ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं आपको, इसी के साथ इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह ये तो इंक्लूड है ही है, ठीक है। तो ये होगी इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन, जो बहुत बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन इस लैपटॉप की। तो आइए हम इसे ओपन करके देखते हैं। जब आप इस लैपटॉप को ओपन करेंगे तो पहले आपको यहाँ पे HP का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिखाई जाएगा। इसमें बताया होगा कि अडैप्टर को कैसे प्लग इन करें, कैसे इसको लैपटॉप को ऑन करें, इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सारा इसमें आपको लिखा होगा। विंडो 10 के साथ इसमें गेस्चर वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। तो ये इसका मैनुअल हो गया। ये लैपटॉप जो ब्लैक ग्लोसी लुक के साथ है, और साथ में इसके बॉक्स में चार्जर होगा, एक पावर केबल होगी। जो चार्जर है इसका, ये 65 वाट 65 वाट का चार्जर है। ठीक है, लैपटॉप बहुत बढ़िया ये ग्लोसी लुक में है। आप देख ही सकते हैं कितनी शाइन कर रहा है। जो मैं आपको पहले वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, जो उसकी स्क्रीन है 15.6, वो ऐसे डायगनल होती है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे HP का होल मार्क है, यहाँ पे इंटेल का स्टिकर आ गया, AMD ग्राफिक कार्ड आ गया। अगर आपको एक्स्ट्रा ग्राफिक्स की लोड है तो इसमें इंक्लूड है, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रैम के साथ शेयर होकर 4 GB हो जाएगा। ये देखती है इसमें कौन कौन सी पोर्ट्स कंपनी ने दी हैं। ये तो इसका जो हो गया चार्जर पॉइंट हो गया, ये इसका एग्जॉस्ट हो गया। जो पहले होता था लैपटॉप में कि उसका एग्जॉस्ट नीचे होता था, उसके कारण होता क्या था कि लैपटॉप हीटअप बहुत जल्दी हो जाता था। उसमें हीटअप की प्रॉब्लम बहुत कम है, हीटअप तो होते ही नहीं है पहली बार। तो ये एक लैन पोर्ट हो गया, HDMI। ये बहुत बढ़िया कंपनी ने मतलब पोर्ट दिए, नहीं तो पहले VGA आता था, इससे अपनी आप LCD वगैरह जो TV है वो कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें 2.0 पोर्ट दिए गए हैं USB, जिससे डाटा ट्रांसफ़र रेट बहुत हाई है। और ये इसका ऑडियो जैक हो गया, और ये इसका टच पैड है जो गेस्चर वगैरह सब कुछ सपोर्ट करता है। ये लेफ्ट राइट बटन हो गए, ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी LEDs दे रखी है, इससे पता चलेगा कि आपको लैपटॉप ऑन है। और ये इसका कार्ड रीडर पॉइंट हो गया, जिसमें कार्ड रीडर लगता है, जैसे कि अपना मैम वो कैमरे का कार्ड रीडर होता है वो यहाँ पे लगेगा। और ये एक्स्ट्रा एक और USB पोर्ट दी गई है, ये इसका ऑप्टिकल DVD राइटर दिया गया है। ये इसकी बैक लुक है, ये यहाँ पे इसकी ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये 4 सेल बैटरी है। इसका बैकअप अराउंड 4 आवर होता है। ये वीडियो प्लेबैक, ऑडियो प्लेबैक पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था HP लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।